क्या आप दांत से परेशान हैं? उसका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, आयुर्वेद खोले बीमारियों के चैनल में आपका स्वागत है। बीमारियों के उपचार जानने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़े। नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारियों के भेद में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है दांत। तो आज जो हम दांत के बारे में चर्चा करेंगे, दांत क्या होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, क्या इनके कारण होते हैं, क्या हम इसमें खाएं क्या ना खाएं, क्या इसके निदान है। तो चलिए सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दांत कितने नामों से जाना जाता है। तो दांत को जो है हम पहले इंग्लिश के हिसाब से हम कहें तो तीन नामों से जानते हैं। एक होता है आपका रिंग बार्म, ठीक है, आप संकोच में ना पड़े, कई जगह आपको रिंग बार्म ऐसे करके लिखा मिलेगा, कई जगह आपको रिंग बर्म करके लिखा मिलेगा, दोनों का जो है अर्थ समान ही होगा। दूसरा जो नाम होता है होता है टीनिया। तीसरा जो आपका नाम हो जाता है होता है डर्मेटोफाइटोसिस। ये ऐसा जलिए होता है क्योंकि डर्मेटोफाइटिस जो है फंगस के कारण होता है, इसलिए इसको डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ये जो तीन नाम है ये आपके इंग्लिश में कहें या एलोपैथी के हिसाब से होते हैं। अब हम कहें हिंदी में या सामान्य भाषा में तो जो है दांत को दो नामों से हम ज़्यादा जानते हैं। एक होता है, पहला होता है दांत, और जो आयुर्वेद की जो भाषा होती है उसमें इसको कहते हैं ददरु, ठीक है। तो ये दो नाम, तो कुल मिलाकर हम कहें तो पाँच नाम है, पाँच नाम से जो है हम दांत को जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं दांत क्या होते हैं। तो दांत क्या है, एक त्वचा संक्रमण है जो फंगस के कारण होता है। इस फंगस का नाम होता है आपका डर्मेटोफाइटस, इसीलिए इस जो हम दांत को डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ये जो फंगस होता है ये आपके त्वचा, नाखून एवं बाल जो होते हैं उनके मृत उत्कों में पाया जाता है। अब हम इसको जो इंग्लिश में रिंग बार्म भी कहते हैं वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा दांत होता है वो अक्सर गोलाकार एवं अंगूठी के आकार का होता है, इसलिए इसको हम रिंग बार्म भी कहते हैं। ये क्या होता है, जब आपके दांत होता है तो बहुत ही जो है खुजली होती है, चलन होती है, और ये जो उन क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ की जो जो जलवायु होती है बहुत ही उमस भरी होती है। ये शुरुआत में बहुत ही छोटा होता है, अगर हम इसमें जो ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है और फिर आगे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। आइए अब जानते हैं दांत के लक्षण क्या होते हैं। तो हमें दांत के लक्षण पता होना बहुत जरूरी है, इससे जो है हम आसानी से पता कर लेंगे कि हमें जो परेशानी हो रही है वो दांत ही है। तो सबसे पहला लक्षण तो हमें जो ये होगा कि हमारी त्वचा पे एक परतदार वो अलग ही एक उभरा हुआ दांत सा हमें नजर आएगा, जिससे हम पता कर लेंगे कि हमें जो है ये दांत ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, लाल चकते, ठीक है, दूसरा आपके जो है लाल चकते से त्वचा पे उभरे आएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपको दांत है। तीसरा क्या होगा कि आपके जो जगह है संक्रमित जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगी और जलन होगी आपको, ठीक है। तो ये जो है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ये दांत है। इसमें चौथा लक्षण ये है, बालों का झड़ना, आपके जो है बाल भी झड़ने लग जाएंगे, ये आपका एक बहुत ही सटीक लक्षण है, इससे पता कर सकते हैं कि आपको दांत ही है। उसके बाद जो है पांचवा लक्षण ये है कि जो आपका दांत होगा ना उसके जो आपके बिल्कुल बाउंड्री वाली जो जगह होंगी, जो लाइन होंगी, वो जो है लाल हो जाएंगी, तो उससे आप अंदाजा लगा लोगे कि ये आपको परेशानी हो रही है, ये दांत ही है। आइए अब जानते हैं दांत के क्या कारण होते हैं। हमारे लिए जानना बहुत बेहद आवश्यक है कि दांत होने के कारण क्या होते हैं, इससे जो है हम दांत पे आराम से काबू पा सकते हैं, उसकी पहचान आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारण होता है वो ये होता है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, यानी कि जिस व्यक्ति को दांत है हम उसके अगर संपर्क में आते हैं तो हमें होने की संभावना अत्यधिक रहती है। दूसरा ये होता है कि हमारी जो त्वचा है नाखून है उनमें हल्की चोट लग जाना, हमारी त्वचा है नाखून में हल्की चोट लग जाती है तो दांत होने की संभावना रहती है। तीसरा है कि हमारे जो शरीर का अत्यधिक समय तक गीला रहना, यानी कि मानिए जैसे हम अधिक पसीने में रहते हैं, ठीक है, तो उससे जो है हमें ये दांत होने की संभावना रहती है। चौथा हमारा ये हो जाता है कि जो हम जो है बाल है, हमारे जो बाल होते हैं उनको समय समय पर नहीं धोते हैं, अगर हम बालों को समय पर नहीं धोते तो भी हमारे दांत होने की संभावना जो है रहती है। उसके बाद जो हमारा पांचवा जो हमारा कारण आता है वो ये आता है कि जो टाइट जूते पहनना, हम जब टाइट जूते पहनते हमारे पैरों में जो है जख्म से बन जाते हैं जिसके कारण ये दांत होने की संभावना रहती है। तो ये कुछ कारण जिससे ये पता लगा सकते हैं कि दांत क्यों होते हैं। तो आइए अब जानते हैं दांत से बचाव के क्या तरीके हैं।
तो दांत से बचाव के तरीके हमें मालूम होने चाहिए। अगर हमें दांत से बचाव के तरीके मालूम होंगे तो हम दांत पे काबू कर लेंगे और दांत को खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है दांत से बचाव का, वो ये है कि हमें अत्यधिक पसीने से बचना चाहिए। हमें ऐसी जगह पे कम रहना चाहिए जहाँ पे पसीना ज्यादा है, जहाँ पे उमस ज्यादा हो। दूसरा ये है कि हमें कसे हुए कपड़े कम पहनने चाहिए, हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहने जिससे कि हमारी त्वचा को हवा लग सके। तीसरा जो हमारा तरीका वो है वो ये है कि हमें जो हमारी जो निजी चीज़ें होती हैं जैसे कि अपना कंघा होता है, तौलिया होता है, रेजर होता है, ये जो है किसी अन्य को नहीं देना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, ना ही किसी अन्य का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है। चौथा जो आपका तरीका है बचाव का वो ये है कि जो आपके संक्रमित जानवर होते हैं, जो आपके इन्फेक्टेड जो जानवर होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब जानवरों में क्या होता है, जब बीमारी होती है तो उनको अलग ही आपको दिख जाएगा, उनकी चमड़ी पर जो है एक जो है परत अपने आप आपको नजर आ जाएगी और वहां पे उनके जो है बाल नहीं होंगे। तो आप समझ लेना कि ये जानवर को दाद है और उससे आप दूरी बना करेंगे। अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो उनका भी समय समय पे जो है चेकअप कराते रहा करिए। उसके बाद है आपका सबसे अहम पांचवा, संतुलित आहार लेना। आप ऐसी डाइट लो जो संतुलित हो, जिसमें सभी जो आपके विटामिन वगैरह हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब जानते हैं दांत के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या आहार लेना है दांत जब हमें हो जाए, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं जानेंगे और हम जो है अनुचित आहार लेंगे तो जो है हमें दांत में परेशानी होगी और जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या खाना चाहिए वो है हरी सब्जियां। दूसरा है आपका उबली हुई सब्जियां, ज्यादा तेल मिर्च मसाले की नहीं, साधारण उबली हुई सब्जियों का सेवन करिए। आप अखरोट खाइए, आप बादाम खाइए, पालक इसमें बहुत गुणकारी होता है, आप पालक का सेवन करिए। आप उन सभी पदार्थों का सेवन करिए जो विटामिन इन से भरपूर होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो जो आपका दांत है तो थोड़े ही समय में चला जाएगा। आइए अब जानते हैं दांत के अंदर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें सेवन दांत के समय नहीं करना चाहिए। अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमारे दांत में ज़्यादा परेशानी होती है और वो बढ़ता है। तो जो चीज़ें मैं नहीं ले रही हूँ, सबसे पहली चीज़ है आपके जो आप कहें जो जंक फूड, तो जंक फूड का आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। दूसरा शराब, आप अगर शराब पीते हैं तो दांत के सामने उसे छोड़ दीजिए। तीसरा हो जाता है धूम्रपान, अगर आप धूम्रपान के शौकीन हैं तो उसको भी आप दांत के समय त्याग दें। चौथा हो जाता है आपका अत्यधिक मीठा, अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। तो है ना, पाँचवा आपका हो जाता है गुड़, आपको गुड़ नहीं लेना है। और छठा हो जाता है अत्यधिक नमकीन, अगर आप नमकीन के शौकीन हैं तो उसको भी थोड़े जो है दांत के समय पे कम कर दें। अगर आप इन चीज़ों पे अपने पे काबू कर लेंगे खान पान पे, तो आपका दांत भी अपने आप काबू में आ जाएगा। आइए अब जानते हैं दांत के घरेलू उपचार। तो कई आपके घरेलू उपचार हैं जिनसे कि आप दांत पे काबू कर सकते हैं, दांत को पूर्णता खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका उपचार है वो है आपका नारियल का तेल। आप नारियल का तेल लीजिए, दांत वाली जगह पे लगाइए और उसे छोड़ दीजिए। ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं तो आपका दांत खत्म हो जाएगा। दूसरा है आपका सेब का सिरका। सेब का सिरका जो है आपके दांत में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसमें क्या करना है आपको, सेब के सिरके को आपके जो दांत वाली जगह है वहाँ पे रुई से लगाना है। ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। तीसरा है आपका सरसों के बीज। आप सरसों के बीज लीजिए, उसको आप जो है पानी में कुछ देर आधे घंटे करीब पानी में आप उन्हें भिगो के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उनको पीस लीजिए और उनको अपनी संक्रमित जगह पे लगा दीजिए, दांत वाली जगह पे, तो आपको आराम आ जाएगा। चौथा जो आपका तरीका है वो है आपका करेले के पत्ते। आप करेले के पत्ते लीजिए, उनको पीस लीजिए, उसमें आप गुलाब जल का जो है मिश्रण कर लीजिए, इन दोनों का अच्छे से मिला लीजिए, एक पेस्ट सा बना लीजिए और अपने जो है दांत वाली जगह पे लगा दीजिए। ऐसा आप दिन में 2-3 बार करेंगे तो जो है आपको आराम मिलेगा। पांचवा जो आपका उपाय है वो आता है आपका टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो है आपका दांत के अंदर बेहद जो है उपयोगी माना जाता है। इसमें आपको क्या करना है, रूई से इसको लेके अपने दांत वाली जगह पे लगाना है। ऐसा आप दिन में 3-4 बार कर सकते हैं तो जो है आप इसके इस्तेमाल से जो है आपका दांत में बेहद जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं दांत के अंदर क्या दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कई दवाइयां जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली आपकी दवाई वो हो जाती है दादुरिन मलम। ये आपके दांत के लिए बेहद उपयोगी और
बहुत ही प्रचलित एक मल्हम आता है, इसको आपको अपने दांत वाली जगह पे लगाना है और ये आपको काफी आराम देगी। दूसरा हो जाता है आपका मरीचादि तेल, ये जो तेल होता है ये आपके आपके थोड़े फुंसी और दांत वगैरह इन सब में फायदा करता है, इसको जो है आप रूई से अपनी संक्रमित जगह पे लगा सकते हैं। तीसरा होता है आपकी कायाकल्प बटी, ये भी बेहद उपयोगी और बेहद जांची परखी एक आपकी आयुर्वेदिक औषधि है, इसको आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में एक एक जो है गोली का आप सेवन कर सकते हैं दिन में दो बार, ये भी जो है आपके इस दांत में काफ़ी फायदा करती है। चौथी जो आती है आरोग्य वर्धनी बटी, आप आरोग्य वर्धनी बटी का इस्तेमाल भी दिन में दो बार एक एक गोली के हिसाब से कर सकते हैं और आप जो है इसमें आपको फायदा होगा। देखिए दांत में क्या है, जितना आप खाने की दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं उससे उतना ही प्रभाव जो है आपके जो भारी दवाइयाँ होती है जैसे आपके आपका मलम हो जाता है या तेल हो जाता है वो करती हैं, तो अगर आप इसमें खाने की दवाई ले रहे हैं तो इसके अगर साथ में अगर आप कोई मलम या तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है दांत पे जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन एक बात है कि आप उपचार कर सकते हैं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दवाइयाँ उनका सेवन किसी डॉक्टर से या किसी जानकार से एक बार परामर्श करने के बाद ही करें, अपने आप स्वयं किसी दवाई को ना लें। हो सकता है आपकी कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री हो, आपको हो सकता है पहले कोई दिक्कत रही हो, तो इससे क्या है कि आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो इसलिए पहले किसी डॉक्टर से परामर्श कर लें कि क्या जो है उसकी खुराक रह सकती है और क्या वो हमारे लिए सही है, तभी जो है दवाई का इस्तेमाल करें, अपने आप किसी डॉक्टर ना बने जो है हो सकता है आपको कोई परेशानी हो जाए। तो आज जो हमारा विषय था दांत, हमने आज दांत पर चर्चा करी, इसके जो है दांत क्या होता है, क्या इसके घरेलू उपचार हैं और क्या इसकी दवाइयाँ हैं, ये सब हमने आपको जानकारी दी। अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सुझाव हो तो आप वो बताएं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही जो है आपको आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों को बीमारियों से रूबरू करवाना है, बीमारियों को सरल तरीके से आपको बताना है, उनके उपचार बताना है। तो आगे की श्रृंखला में हम और परेशानियाँ लेके आएंगे, उनके और निदान लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।